जैसा कि सलार के ट्रेलर को देखने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर दो दोस्तों की कहानी दिखाई जाएगी, एक देवा तो दूसरा वरदा। उग्रम के अंदर हमें अगस्त्य और बाला की कहानी देखने को मिली थी, और बस यही नहीं और भी सिमिलैरिटी देखने को मिली। जैसा कि उग्रम में बाला का दोस्त अगस्त्य बचपन में ही अलग होने के बाद वो मैकेनिक का काम करता है, जबकि सलार के अंदर भी देवा भी मैकेनिक के रोल में दिख रहा है। वही उग्रम के अंदर अगस्त्य द्वारा बाला का भाई मारा जाता है, जिसे दोनों दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, जबकि सलार के अंदर देवा और वरदा की दुश्मनी तो दिखाया नहीं गया। बट यार प्रसाद ने इंटरव्यू में बताया था कि आप लोग सलार के अंदर दो दोस्तों की दुश्मनी देखने वाले हैं, यानी सलार के अंदर देवा से कुछ तो ऐसा होगा जिसे इन दोनों में दुश्मनी होगी। तो भाई लोग चलो मान लेते हैं कि सलार और उग्रम में कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, पर सलार को उग्रम का रीमेक बोलना कतई सही नहीं है, क्योंकि सलार के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। सलार को बहुत ही लार्ज स्केल पर बनाया गया है, जैसा कि खान साहब जैसे जंगल को किला बनाकर एक नया साम्राज्य एस्टेब्लिश करना, और यहाँ पर गद्दी के लिए राजनीति और कूटनीति देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ होने वाला है। अरे यार आपने ये चीज तो नोटिस किया ही होगा कि 1000 साल पहले कुछ डकैत आते हैं और खान साहब जंगल पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाते हैं, पर इस जगह पर ऐसा किया है भाई जिसे गंदी बस्ती और जंगल जैसी जगह पर इतना कुछ ग्रोथ करते दिखाया गया है, जबकि राजमन्नार की गद्दी को पाने के लिए लोग कूटनीति कर रहे होते हैं, वो भी इंटरनेशनल आर्मी बुलाते हैं, और इंटरनेशनल कनेक्शन इस सीन में भी देखने को मिलता है। ये सीन पेरिस का हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे चर्च को भी नोटिस कर सकते हैं। अच्छा आपने ट्रेलर के अंदर इनू आनंद को नोटिस किया? अरे भाई वही चाचा जी जो टीजर के अंदर सलार के बारे में बता रहे होते हैं कि सलार टाइगर चीता और शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। आप इस सीन में नोटिस कर सकते हैं, जब वरदराज और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर आप इनू आनंद को देख सकते हैं, यानी इनू आनंद वरदराज के आदमियों में से एक होते हैं। अब इस सीन में जब एक मिसाइल से ट्रक उड़ाते दिखाया जाता है तो इस ट्रक का नंबर 2021 होता है, ये किसी और चीज को इंडिकेट करता है भाई। 2021 यानी सलार की शूटिंग 2021 में ही शुरू हुई थी। तो भाई लोग पसंद नहीं ले तो सबका दिल तोड़ दिया कि सलार केजब से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कौन करता है यार, जबकि सलार की हाइप बहुत ही ज्यादा थी। पर सलार का केजब से कनेक्शन ना होने की वजह से हाइप कम होती नजर आ रही है, क्योंकि रॉकी भाई के कैमियो की वजह से रॉकी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अगर पसंद भाई ऐसा नहीं बताते तो इसके अंदर भी लोग केजब से कनेक्शन निकाल ही लेते। वेल जो भी आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे आपकी क्या राय है सलार के बारे में कॉमेंट करके जरूर बताएं।